तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन की अगली चैप्टर जो कि है डेटा फिल। तो डेटा फिल के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ होम मेनू बार में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एडिटिंग पार्ट में हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन से। चलिए आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए, मैं सबको परमिशन दे दिया है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कुछ नंबर्स हम लिखते हैं इस तरह से, और मुझे सम करना है। तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, इक्वल सम फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे इक्वल सम फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप यही पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो सम हो जाएगा, या फिर इसका शॉर्टकट है अल्ट प्लस इक्वल, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं ऑटो सम। सम के अलावा कोई और चाहिए तो इस पे ड्रॉप डाउन के जाइए, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम। दिखेगा सर, उसके बाद हम बात करते हैं फिल के। चलिए फिल में हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने यहां पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाया, रैन बिटवीन का फॉर्मूला हमने यहां लगाया, हमने पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया, इस पूरे एरिया को। अब पूरे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, जनरली कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करते हैं। तो जनरली आपको कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करने की जरूरत नहीं है, आपने इसको कंट्रोल डी कर दीजिए डाउन और कंट्रोल आर कर दीजिए राइट। इसको बोलते हैं फिल डाउन एंड फिल राइट। ठीक है सर, फिल डाउन एंड फिल राइट। समझ गया सर? उसमें भी दो ही बार प्रेस करना पड़ेगा सर, पहले वी, पहले सी फिर वी। तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो उसमें ए आपका बैंड होता है, मतलब कि कंट्रोल सी नहीं कर पाते हैं आप। तो या फिर हम लोग जैसे कि एक ही कॉलम में करना है तो लोग कंट्रोल डी कर देते हैं। ठीक है, यस सर। एक सेकंड लीजिएगा,
पानी मिल जाता। तो एक बहुत सारे कुछ जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है, और आप बात करेंगे अप और लेफ्ट के लिए, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, आप खुद ब खुद करना पड़ेगा। इसमें आगा नेक्स्ट आता है एक्रॉस वर्कशीट। एक्रॉस वर्कशीट को देख लीजिए क्या करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास तीन चार कॉलम है, तीन चार शीट्स है आपके पास। अब तीन चार शीट्स में क्या है कि मुझे डेटा इंटी करने, मान लीजिए मुझे यहाँ पे मैंने डेट डाला हुआ है, डेट में मैंने यहाँ पे मान लीजिए आज का डेट डाल दिया। अब मुझे इसी को कॉपी करके बाकी हर सीट पे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो आप एक काम करते हैं कि अगली सीट पे को सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले सीट पे सिलेक्ट करें, और जहां पेस्ट करना चाहते हैं वहां इसको कंट्रोल वी कर दे। फिर देखिए कि आपको हर सेल पे सेम लोकेशन पे आपको पेस्ट हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मान लीजिए फॉर्मेटिंग वगैरह है, तो अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो कॉपी ना करें, सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप फील्ड में जाकर देखेंगे तो आपका ये अक्रॉस वर्कशीट हाइलाइटेड है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ऑल करेंगे तो जैसा है वैसा पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कंटेन करेंगे तो सिर्फ कंटेन होगा, एंड फॉर्मेट करोगे तो सारा का सारा फॉर्मेट आपका पेस्ट, सिर्फ फॉर्मेट होगा, डेटा नहीं आएगा, लेकिन आएगा सेम लोकेशन पे बिना कॉपी पेस्ट किए गए। एक्रॉस वर्कशीट का यूज होता है कि आपको एक ही डेटा को बहुत सारे सीट पे सेम लोकेशन पे पेस्ट करना है उसके लिए। ठीक है सर। डाउट सर इसमें? चलिए अब इसमें अगला ऑप्शन जो आता है उसको देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास इसमें जो आता है वो आता है सीरीज का। जैसे कि मैंने यहाँ पे वन दिया टू दिया और इसको ड्रैग कर देते हैं तो इसकी सीरीज आ जाती है। उसी तरीके से अगर मैं वन लिख के नीचे तक ड्रैग ना करूं तो आप यहाँ सीरीज का ऑप्शन ले सकते हैं, जिसमें लीनियर है, मतलब कि आपको कितने का स्टेप वैल्यू चाहिए ओके कीजिए आपका आ जाएगा। इसी में आप अगर ग्रोथ कर देंगे, जैसे कि मैंने ग्रोथ कर दिया यहाँ पे टू कर दिया तो टू का मल्टीप्लिक्स आ जाएगा। लेकिन हालांकि इसके लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेट के लिए। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई डेट हमने डाला हुआ है और मैं ड्रैग करता हूं तो यहाँ पे एक चीज देखिए, सीरीज में डेट डे वाइज किया तो डे वाइज आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से। तो यहाँ पे अगर वीक डे करेंगे तो इसमें सैटरडे एंड संडे, वीक डे के लिए खासकर यूज करते थे हम लोग जब रोस्टर वगैरह बनाते थे, तो उसमें से वीक डे नहीं चाहिए होता था तो हम लोग वीक डे का इस्तेमाल करते थे। वीक डे क्लिक किया यहाँ पे देखिए वीक डे आ गया, 1 मार्च, 1 4, 2 या 3 छुट्टी थी और मतलब सैटरडे संडे थी तो नहीं आया। तो यहाँ पे अक्रॉस जस्टिफाई सीरीज में हम इसी का मंथ करो तो मंथ, ईयर करो तो ईयर आएगा। तो श्री समझ में आ गया सर? यस सर। सीरीज के बाद आता है जस्टिफाई। चलिए जस्टिफाई को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ लिस्ट ऑफ नेम है हमारे पास, कुछ लिस्ट लिस्ट ऑफ नेम है जो आप देख रहे हैं, मुझे सारे नेम को मुझे इसके अंदर मर्ज करना है कि पूजा रवि इस तरह और नीरज इस तरह से मर्ज करना है। तो इसके लिए आप कॉनकाटा नेट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपके पास अगर 2019 है तो आप टेक्स्ट ज्वाइन और कॉनकेट जैसे फंक्शन ले सकते हैं। लेकिन नहीं है तो कैसे करेंगे, तो कॉनकाटा नेट से तो काफी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फिर कॉलम को ब्रा करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं और यहां पे जस्टिफाई।
अब जस्टिफाई का मतलब ये नहीं है कि जितना बड़ा सबको मर्ज कर देता है, जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए और यहाँ पे अगर मैं जस्टिफाई करता हूं तो जैसे दो तीन बच गए तो उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जितना बड़ा कॉलन होगा उतना बड़ा इसके अंदर आ जाएगा जस्टिफाई। अब कॉमा लगाने के लिए क्या करेंगे सर, रिप्लेस कर देंगे स्पेस को कॉमा से, क्या क्या या वापस इसको मान लीजिए कॉलम वाइज करना है तो आप इसको छोटा कर लें और इसको सिलेक्ट करके यहां पे जस्टिफाई कर दें, ओके। तो जस्टिफाई समझ में आया शरद जी, करण जी, शरद जी, बाकी और भी लोग हैं? यस सर, यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर, नो सर। ओके, अब बात करते हैं फ्लैश फील। फ्लैश फील सेपरेशन का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नेम लिखता हूं, जो ध्यान से देखिएगा, ठीक है सर, नेम। अब नेम में मान लीजिए लिखा मैंने पूजा शर्मा, कविता रा सिंह, मोहन, अब मुझे यहां भी क्या है कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट, इसमें हमारे पास लेफ्ट राइट मिड का फॉर्मूला आप लगाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक फंक्शन है फ्लैश फील का, उस कैसे अप्लाई करना है, किसी एक का नाम यहां लिख दीजिए, जैसे मैं लिख दिया पूजा और यहां पे हमने इसको कर दिया जस्टिफाई, सॉरी फ्लैश फील, माफ कीजिएगा, फ्लैश फील। तो पूरे कॉलम का पूजा को कंसीडर करेगा और चेक करेगा पूजा का पोजीशन क्या है और उसी पोजीशन के हिसाब से बाकी पूरे कॉलम का डेटा आपको लाके दे देगा। ऐसे मैंने यहां पे लिख दिया शर्मा, इसको हमने यहां पे कर दिया फ्लैश, ठीक है। तो इसने लास्ट नेम अलग कर दिया, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह से अलग हो गया। ऐसे मान लीजिए कि आपके पास डेट है, तो डेट में मान लीजिए कि बहुत सारे डेट आपने लिख रखा है, और मुझे इसमें से मंथ को अलग करना है, तो मैं यहां पे मास मास लिखा, एंटर किया और फिल में गया, फ्लैश फिल कर दिया, तो सबका अलग कर दिया। उसी तरह से मैं 20.36 किया, मुझे सर डेसिमल प्लेस दर्ज करने हैं, तो मैं एक का डेसिमल प्लेस लिखा और कंट्रोल एंटर मारा और यहां पे फ्लैश फिल किया। अब यहाँ पे दिक्कत हो गया ना, 0.36 में तीन डिजिट ले लिया, यहाँ पे तीन डिजिट अलग कर दिया, तो जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में लिखे, यहाँ पे लिख दीजिए 0.25। अच्छा, इसको एक बार ट्राई कीजिए तो आप लोग फ्लैश फील को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा।
हेलो सर, हेलो। हाँ सर, ट्राई किया सर? मतलब कि यहाँ पे अगर 0.025 कर देता हूं और फिर मैं यहाँ पे फ्लैश फिल करता हूं तो आ जाएगा। मतलब जरूरी नहीं कि हम पहले ही लिखें, हम कोई भी इस पूरे में से कोई को भी कर सकते हैं। तो आप इसको और प्रैक्टिस कीजिएगा और फ्लैट्स फिल के मुझे तकरीबन 10 एग्जांपल दीजिएगा, ठीक है सर? उसके बाद मैं आपको जो है होम मेनू बार के पूरे होम मेनू बार जितने भी कुछ लोगों ने छूट दिया है उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज रहा हूं, ठीक है? 10 रिकॉर्डिंग है इसमें। ये रिकॉर्डिंग्स आप एक बार देख लीजिए सर।